हेलो स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे 8253 और 8254 जो हमारा प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है उसको लेकर। ठीक है, तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। और ये जितने भी टॉपिक हैं आपके यूनिट फिफ्थ के, वो सारे के सारे डायरेक्टली आपके एज इट इज़ पूछे जाते हैं। मीन्स कि आपका 8259 पूछ लेगा, ठीक है, डीएम में कंट्रोलर पूछ लेगा, आपका 8253 और 8254 डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके आते हैं और नंबर गेन करना बहुत ही आसान है इनमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करी जाए कि आपका जो ये 8253 है या 8254 आईसी है वो किस लिए यूज़ की जाती है। तो आप नाम आपको देखिए क्या दिखाई दे रहा है, प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर। तो टाइमर का क्या काम होता है, एक्यूरेट टाइम डिले को कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो जब भी हमें क्या करना होता है, अपने टाइम डिले को कैलकुलेट करना होता है, तो एक्यूरेटली वो आपका क्या हो, कैलकुलेट हो, तो उसके लिए हम लोग ये एक्सटर्नल प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर का यूज़ करते हैं, जिसका आईसी नंबर जो है वो क्या है आपका 8253 और 8254। ठीक है, तो बेसिकली दो आपकी चिप हैं या कह सकते हो आईसीज हैं, क्या डिफरेंस है उसको हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका मेन फीचर देख लेते हैं पहले कि ये जो आपका 8253 और 8254 है वो क्या काम करता है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि क्या करेगा आपका, एक्यूरेट टाइम डिले को प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, अब एक्यूरेट टाइम डिले को प्रोवाइड कराने के लिए आपका ये जो 8253 और 8254 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है, इसमें तीन क्या होते हैं, काउंटर्स होते हैं। क्या होते हैं आपके, तीन काउंटर्स होते हैं और तीनों की जो कैपेसिटी है इंडिविजुअली वो क्या होती है आपकी 16 बिट की होती है। ठीक है, और तीनों के तीनों ही काउंटर्स या जो टाइमर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम आपके करते हैं। बात समझ में आई कि क्या होते हैं यहाँ पे, तीन काउंटर्स होते हैं या टाइमर्स भी आप उनको बोल सकते हो, और सबकी कैपेसिटी जो है वो कितने बिट की है, 16 बिट की। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो आपकी क्लॉक फ्रिक्वेंसी है या जो क्लॉक इनपुट है आपके 8253 और 8254 के लिए, वो जो वैरी करेगी वो कितनी होगी, 0 to 10 मेगाहर्ट्ज़ तक। ठीक है, देन आपका ये जो काउंटर्स होंगे, जो तीन काउंटर्स मैंने लिए हैं, तीनों के तीनों जो है वो 6 डिफरेंट मोड्स में जो है वो काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मोटा मोटा हमें समझ में आया कि अगर मुझे एक्यूरेट टाइम डिले को कैलकुलेट करना है तो 8254 या 8253 में तीन काउंटर होते हैं, तीनों की कैपेसिटी जो है वो 16 बिट की होती है, जो क्लॉक इनपुट है वो मेरी 0 to 10 मेगाहर्ट्ज़ रहेगी, और जो आपके काउंटर्स हैं वो 6 डिफरेंट मोड में काम आपके करेंगे। ठीक है, पिन डायग्राम को अगर देखा जाए तो पिन डायग्राम में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि टोटल पिन जो है वो कितनी है आईसी में आपकी, 24 है। ठीक है, तो 24 में जो आपका 1 से लेके 8 तक आपको क्या दिखाई दे रहा है, D0 से लेके D7, यानी कि, और डी आपको मालूम ही है, डी जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, डेटा बस के लिए। अब क्योंकि इनका जितनी भी आईसीज हैं ये एक्सटर्नल, वो सारी की सारी क्या होंगी, 8085 के साथ इंटरफेस होंगी, और 8085 के लिए आपको मालूम है कि कितने बिट का डेटा होता है आपका, 8 बिट का डेटा होता है। तो ये जो डेटा बस पिन्स हैं आपकी 8254 की या 8253 आईसी की, वो कनेक्टेड होती हैं किसके साथ में, माइक्रोप्रोसेसर के डेटा बस के साथ में। ओके, देन अब आप देखिए यहाँ पर, तो मैंने D0 यहाँ पर आप पिन नाम देखेंगे, पिन नेम, तो मैंने क्या लिखा हुआ है, डेटा बस। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिन नंबर 9 पे क्या दिखाई दे रहा है, क्लॉक 0, पिन नंबर 10 पे क्लॉक 1 और पिन नंबर 11 पे क्लॉक 2। तो अभी जैसे मैंने बोला कि कितने काउंटर होते हैं, तीन काउंटर होते हैं, तो तीनों ही काउंटर के लिए आप जो क्लॉक सिग्नल है उसको क्या लिखा मैंने, क्लॉक एन लिखा। ठीक है, यानी कि अगर मैं काउंटर लेती हूँ 0, काउंटर 1, काउंटर 2, तो काउंटर 0 के लिए आपकी क्या हो जाएगी, क्लॉक 0। ठीक है, 1 है क्लॉक, मतलब काउंटर 1 तो क्लॉक 1, काउंटर 2 तो क्लॉक 2, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये तीन क्लॉक्स आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है भाई, 12 नंबर पिन पे जो है वो क्या है आपका, ग्राउंड है, यानी कि आपका
जो आईसी है वो ग्राउंडेड हो जाएगा एट पिन नंबर 12। जो वीसीसी सप्लाई देंगे वो कितनी होगी आपकी 24 पिन नंबर पे होगी, और कितने वोल्टेज दोगे आप उसको प्लस 5 वोल्ट आप उसको प्रोवाइड कराएं। देन पिन नंबर 23 इज़ राइट बार, आपको अपने डेटा को या कमांड को राइट कराना है, सो यू हैव टू यूज़ पिन नंबर 23, दैट इज़ राइट बार पिन। ओके, पिन नंबर 22 क्या है आपकी, रीड बार पिन है, आपको अपने डेटा को रीड करना है, तो कहाँ से रीड कर सकते हो आप, पिन नंबर 22 से। पिन नंबर 21 क्या है, सी एस बार आपको बताया ही जा चुका है कई बार, सी एस बार क्या होता है आपका, चिप सेलेक्ट, ठीक है, बार लगा हुआ है, एक्टिव लो सिग्नल है, जब इस पिन पे क्या जाएगा आपका, जीरो जाएगा, तभी आपका 8254 क्या है वो सेलेक्ट होगा, या वो आईसी जो है वो इनेबल होगी। ए नॉट और ए वन जो है वो किसके लिए यूज़ होते हैं, काउंटर को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे आपके, ठीक है, कि मीन्स आपका काउंटर 1 यूज़ हो रहा है, काउंटर 2 यूज़ हो रहा है, या काउंटर 3 यूज़ हो रहा है, ठीक है, किस लिए, आपके एक्यूरेट टाइम डिले को कैलकुलेट करने के लिए। देन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे CLK2 यानी कि क्लॉक, काउंटर 2 का क्लॉक 2, देन आउट 2 गेट 2, क्लॉक 1 गेट 1 और आपका आउट 1, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखने से मालूम चल जा रहा होगा कि क्लॉक N यूज़ हुआ है, गेट N और आउट N, ये 3 सिग्नल्स हैं मेरे तीनों ही काउंटर्स के लिए। तो 3 जैसे काउंटर लिए मैंने, तो तीनों ही काउंटर के लिए इंडिविजुअली क्लॉक इनपुट होगा, इंडिविजुअली गेट इनपुट होगा, और इंडिविजुअली आउट इनपुट आपका होगा, रिस्पेक्टिवली जो आपका 0 है, 1 है या 2 है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सपोज डैट आपका क्या है, काउंटर आपका 0 है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्लॉक आपका CLK0, गेट क्या हो जाएगा, गेट आपका 0, और आउट यानी कि आउटपुट पिन क्या हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिफाइन अपने पिंस को कर सकते हो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्लॉक एन लिखा हुआ है, एन मतलब ये जो आपकी वैल्यू है, 0 है या 1 है या 2 है, ठीक है। तो 0, 1, 2 ही क्यों लिया, क्योंकि आपका ये जो 8253 है या 8254 है, इसमें 3 ही काउंटर आपके अवेलेबल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पिन डायग्राम ऑफ द 8253 एंड 8254। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा इसका ब्लॉक डायग्राम है, और जो हमारा काउंटर्स का सिलेक्शन है, कि किस तरीके से हम यूजिंग ए नॉट और ए वन हम अपने काउंटर्स का सिलेक्शन करते हैं, तो वो किस तरीके से होगा, और आपका जो 8253 और 8254 में क्या डिफरेंस है, ठीक है।